यार जल्दी भगाना, 12 बजने वाले हैं। आतिशबाजी गुजर गई तो सीबीयू पे जाके न्यू ईयर मनाने का फायदा? तो कंटेनर पे चढ़ा दूं क्या? जगह जगह कंटेनर पड़े हैं, इसीलिए तो गलियों में घुसा हूं। लो मना लो न्यू ईयर। साहब जिसका इंतजार था वो आ गए। अरे कुछ नहीं होता, पिछले साल भी मिले थे, बस खर्चा पानी देना और निकलने की करना। रोक रोक रोक, साइड पे आ। अरे सर क्या हिम्मत करें आपकी। नीचे उधर, नीचे उधर। स्टाफ से बात कर। आसान सर। वैसे काफी अकलमंद लगते हो तुम दोनों। अरे भाई क्या सोच रहे हो, देख नहीं रहे कितनी सर्दी है, जल्दी से जरा सर को ड्राई फ्रूट दे दो। अरे मेरे पास तो कोई ड्राई फ्रूट नहीं है। अरे यार सीजन सीजन की बात है, गर्मियों में चाय पानी और सर्दियों में ड्राई फ्रूट। ओहो अच्छा ड्राई फ्रूट, ये ले सर ये आपके लिए। हम तो तुम्हें होशियार समझे थे, तुम लोग तो ढेड़ होशियार निकले। अच्छा सर अब हम जा सकते हैं। वैसे तुम लोग जा रहे कहाँ? सर हम नया साल मनाने के लिए सीबीयू पे जा रहे हैं। क्या क्या तुम लोगों को ये मालूम नहीं कि सीबीयू पे जाने पे पाबंदी है और तमाम रास्ते बंद हैं? अरे सर हमें सब पता है, हर साल पाबंदी होती है लेकिन आवाम फिर भी पहुंच ही जाती है। अरे हर साल और इस साल में फर्क है। हाँ सर फर्क तो बहुत है। अब पिछला न्यू ईयर हमने पुराने पाकिस्तान में मनाया था और ये हम नए पाकिस्तान में मनाएंगे। नए पाकिस्तान में? ये नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में क्या फर्क है? अरे सर बहुत फर्क है। पुराने पाकिस्तान में लोग खजाना लूटकर वजीर बन जाया करते थे और जो जितना करप्ट होता था उसे उतना ही बड़ा ओहदा मिलता था। अब ऐसा नहीं सर, पहले सजाएं सिर्फ गरीबों और छोटे चोरों को मिलती थी लेकिन अब तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। अच्छा तो ये बताओ नए पाकिस्तान में पुलिस को रिश्वत देने वालों के लिए क्या कानून है? नहीं सर इसके लिए तो अभी कोई कानून नहीं आया। उसके लिए भी कानून आ चुका है। क्या? नए पाकिस्तान में नया साल जेल में मुबारक। रोक सको तो रोक लो तब्दीलियां।